हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो प्रीवियस पीरियड में हमने अल्किल एलाइड के प्रिपरेशन कर रहे थे, आज उसे हम फिनिश कर देते हैं। सो थ्री मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने कंप्लीट किया है, फ्रॉम अल्कीन बाय हैलोजिनेशन, फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन एंड फ्रॉम अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, हैलोजन हैलाइड और देयर इज अल्किल एलाइड एंड देन थायोनिल क्लोराइड। नंबर नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दैट इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज नेम इंडिकेट कि इस रिएक्शन में हमको हैलोजन को एक्सचेंज करना है, क्लोरीन ब्रोमीन को आयोडीन से एक्सचेंज करने का है, समटाइम हमको क्लोरीन ब्रोमीन को फ्लोरीन से एक्सचेंज करना है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखते हैं, उसमें दो रिएक्शन है। तो सीरियल नंबर में नंबर फोर साइंटिस्ट का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो सी आई टेक दिस, सो अल्किल हैलाइड RX, व्हाट इज RX? इट इज अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड NaR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। यहां एसीटोन जो है डायमिथिल कीटोन, इसको हम कैटलिस्ट कहेंगे। और अल्किल हैलाइड जो है, दो अल्किल हैलाइड लेंगे, वन इट इज अल्किल क्लोराइड एंड सेकेंड वन इज अल्किल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज फॉर अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड ओनली, फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं लेंगे। सो व्हेन अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड व्हेन दे आर ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन दे अंडरगो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मीन्स दिस हैलोजन हैलाइड इट इज एक्सचेंज बाय आयोडीन। ये हैलाइड हटा देंगे, उसकी जगह आयोडीन लगा देंगे, सो इट गिव्स RI अल्किल आयोडाइड एंड प्लस NaX सोडियम हैलाइड। सो दिस इज अल्किल आयोडाइड। अब आपको ये स्पेशल रिएक्शन है जिसमें सिर्फ अल्किल आयोडाइड ही बनेगा, मींस दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, सिर्फ आयोडाइड के लिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन ओनली फॉर आयोडाइड। सो व्हेन डेफिनेशन सुन लो, एक्सप्लेन फिंकलस्टीन रिएक्शन डेफिनेशन। व्हेन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स अल्किल आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक बार और सुन लीजिए, व्हेन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स अल्किल आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप RCl RBr भी कर सकते हैं या फिर कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिथिल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड, दिस इज मिथिल क्लोराइड, इट इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन एक्सचेंज टेक प्लेस, दिस क्लोरीन इट इज सब्स्टिट्यूट बाय आयोडीन। सो एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन क्लोरीन एंड आयोडीन एंड मिथिल क्लोराइड गेट्स कन्वर्ट इनटू मिथिल आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड इज रिमूव एज ए बाय प्रोडक्ट, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। टेक सेकंड एग्जांपल, इथिल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड, सेम व्हेन इथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड देन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, दिस आयोडीन विल सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन विल सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन हैलोजन, वन हैलोजन इज एक्सचेंज बाय अनदर हैलोजन एंड इट फॉर्म C2H5I इथिल आयोडाइड एंड NaBr। सच रिएक्शन इन विच क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडाइड, सच रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो दिस इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, ये सिर्फ अल्किल आयोडाइड के लिए है। ऐसी एक और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर इट इज 5, दैट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज स्वार्ट्स, स्वार्ट्स रिएक्शन रिएक्शन नंबर 5। पहले तो ओरली क्या याद रखना कि फिंकलस्टीन रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, इससे सिर्फ अल्किल आयोडाइड बनेगा। एंड स्वार्ट्स रिएक्शन इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड, इससे अल्किल फ्लोराइड बनेगा। क्या रिएक्शन है देखो, सेम RX, दिस RX इट मे बी अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है। व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड, दिस टाइम रीजन रहेगा सिल्वर फ्लोराइड, नो नीड ऑफ एनी कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट नहीं। व्हेन अल्किल हैलाइड और अल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड इज हीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड देन इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, दिस क्लोराइड एंड ब्रोमाइड दे आर सब्स्टिट्यूट बाय फ्लोराइड एंड इट गिव्स RF अल्किल फ्लोराइड एंड बाय प्रोडक्ट EgX सिल्वर हैलाइड।
This reaction is called as Schwarz reaction. Can I get a definition? An alkyl chloride or alkyl bromide is treated with silver fluoride gives alkyl fluoride. This reaction is called as Schwarz reaction. देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, पीडीएफ नहीं मिलेगा. जो भी मैं रिएक्शन लिखा रहा हूँ, जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको इसको खुद से लिखना है और अपनी नोट्स बनाना है, फेयर नोट्स बनाना है. टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस, इसका एक एग्जांपल ले लेंगे हम. इथिल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड रिएजेंट है वो एज इट इज रहेगा. सो दिस ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय फ्लोरीन एंड इट गिव्स C2H5 instead of Br, here it is F. C2H5F plus AgBr. This is ethyl fluoride. Question क्या रहेगा? How will you prepare ethyl fluoride from ethyl bromide? So this is Schwarz reaction. क्या याद रखना है? Finkelstein reaction alkyl iodide के लिए, Schwarz reaction alkyl fluoride के लिए. This is reaction number 4 and reaction number 5. Now this complete the methods of preparation of alkyl halide. अभी हमने ये सब जो बनाया ये RX alkyl halide बनाया. अब हम ऐसे दो रिएक्शन करेंगे जिसमें हमको ARX बनाना है, aryl halide. ये हम कंटिन्यू करते हैं, नंबर 6 5 हो गया, नंबर 6 एंड नंबर 7 करेंगे. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aryl halide. सो गिव हेडिंग रिएक्शन नंबर 6. अभी सिर्फ aryl halide बनेगा. नंबर 6, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज सैंडमेयर एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड. इससे एरिल हैलाइड बनता है. सी ये रिएक्शन क्या है, देखेंगे. सी दिस कंपाउंड, दिस इज बेंजीन N2 एंड Cl. इसका नाम है बेंजीन डाय अजो. पहले ये समझ लीजिए आप, डाई मीन्स टू, अजो इज द नेम फॉर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को अजो कहते हैं और दो नाइट्रोजन है तो डाय अजो. इसका नाम रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इसको सॉल्ट कहते हैं, दिस इज सॉल्ट, क्योंकि यहां पे डाइजोनियम में क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है, डाइजोनियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट इज डाइजोनियम सॉल्ट. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूपरस क्लोराइड. व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूपरस क्लोराइड इट गिव्स, या क्या बनेगा, होल दिस, ये जो N2Cl है, होल दिस N2Cl, ये ब्रेक हो जाएगा. N2Cl ब्रेक हो जाएगा, एक बाय प्रोडक्ट हम बताएंगे N2 नाइट्रोजन, और एक मेन प्रोडक्ट बताएंगे, दिस इज बेंजीन एंड दिस क्लोरीन, दिस क्लोरीन सी क्यूपरस क्लोराइड. क्यूपरस क्लोराइड का क्लोरीन यहां अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन. इट इज एरिल हैलाइड. हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. सो व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूपरस क्लोराइड इट गिव्स क्लोरो बेंजीन. रिएक्शन एक बार और समझ लीजिए. सबसे पहले तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मालूम होना. दिस बेंजीन डाइजोनियम का मतलब N2 और Cl इज क्लोराइड, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl, तो होल दिस, ये पूरा N2Cl ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह वहां Cl आ जाएगा, क्यूपरस क्लोराइड का Cl आ जाएगा और एक बाय प्रोडक्ट हम N2 बताएंगे. फिर ये कॉपर, What happened to this copper? What happened to this chlorine? ये बैलेंस फॉर्मेट में नहीं है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है. ये कॉपर और ये क्लोरीन कहां गया इसको नहीं बताना है, ये रिएक्शन एज इट इज आपको लिखना है. सेकेंड, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तीन एग्जाम्पल लेना है. तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद क्यूपरस क्लोराइड. इमेजिन करो कि अगर हम यहां क्यूपरस क्लोराइड की जगह क्यूपरस ब्रोमाइड ले, क्यूपरस क्लोराइड, इट इज क्यूपरस ब्रोमाइड. सो व्हाट हैपेंड, होल दिस N2Cl, नाउ इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन. अब इसको पूरा कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करेगा. तो इंस्टीड ऑफ क्लोराइड वी गेट ब्रोमाइड. दिस टाइम इसका नाम रहेगा क्लोरोबेंजीन नहीं रहेगा, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. हाउ विल यू प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद क्यूपरस ब्रोमाइड
इंड्यूस्ड ब्रोमो बेस। सिर्फ एक स्लाइटली चेंज किया हमने, क्यूपरस क्लोराइड की जगह क्यूपरस ब्रोमाइड लिया हमने। सो होल दिस N2Cl, इट इज सब्स्टिट्यूट बाय Br। अब डेफिनेशन देखो क्या है, व्हाट इज सैंड मेयर रिएक्शन, जो भी नेम रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। जैसे कुछ देर पहले आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन बताया, स्वार्ट्स रिएक्शन बताया, पिछले दिन आपको डार्जन मेथड बताया था, याद है डार्जन मेथड? डिफाइन कर सकते हैं आप डार्जन मेथड। उसके बाद आपको ग्रुप प्रोसेस बताया था, ग्रुप प्रोसेस जिसमें लुकास रीजन यूज किया था, वही डेफिनेशन याद हो ना, कौन किससे रिएक्ट होता है और क्या बनता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन सैंड मेयर रिएक्शन, व्हाट इज सैंड मेयर रिएक्शन, तो डेफिनेशन देखो क्या है इसकी, द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl, डाइजोनियम सॉल्ट, इसको डाइजोनियम सॉल्ट कहेंगे, इसको पूरा हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया, इसकी जगह हमने किया बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड। द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड यूजिंग, क्या यूज किया, यूजिंग क्यूपरस क्लोराइड एंड क्यूपरस ब्रोमाइड, इज कॉल्ड एज सैंड मेयर रिएक्शन। अभी आपको फेयर रजिस्टर में ये डेफिनेशन लिखना है और सुन लीजिए, डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड Cl और Br यूजिंग क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड इज कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट, योगी डेफिनेशन। फिर दो एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल नंबर वन, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूपरस क्लोराइड इट गिव्स क्लोरोबेंजीन, और वो रिएक्शन लिख लेना। एग्जाम्पल नंबर टू, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूपरस ब्रोमाइड इट गिव्स ब्रोमोबेंजीन, और ये एग्जाम्पल लिख लेना। ये दो एग्जाम्पल सैंड मेयर रिएक्शन के हैं, आयोडाइड नहीं, सिर्फ क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन अलग है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लो, द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड यूजिंग क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड इज कॉल्ड एज सैंड मेयर रिएक्शन। वन एग्जाम्पल एंड टू एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, व्हेन दिस अगेन सेम रिएक्टेंट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डायजो मतलब टू नाइट्रोजन, when it is treated with KI, potassium iodide, this time cuprous chloride, cuprous bromide, cuprous iodide नहीं, potassium iodide। अब ये पूरी balance कर सकते हैं आप, what happened पिछले बार के जैसे, this N2Cl will break, ये N2Cl break हो जाएगा, एक by product बता दो आप N2, दूसरा by product this chlorine goes with potassium, वो potassium के साथ रहेगा, तो by product KCl, and this iodine will substitute N2Cl, पूरा N2Cl हट जाएगा और उसकी जगह वहां पे आयोडीन आ जाएगा। नेम ऑफ दिस कंपाउंड आयोडोबेंजीन। इस सैंड मेयर का थर्ड एग्जांपल है, क्वेश्चन क्या है ना, हाउ विल यू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सेंटेंस क्या लिखेंगे आप इसका, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन इज फॉर्मड, ये रिएक्शन लिखेंगे। This complete sand mayer reaction. Give it 5 star. ये reaction important है. 2 marks. 2 marks में कितना लिखेंगे आप? 1 definition and 2 example. दो example कौन से? Cuprous chloride और cuprous bromide वाले. ये नहीं. Potassium iodide का नहीं. Only that 2 example. This is reaction number 6 for the preparation of aryl halide. अब एक last reaction for the preparation of aryl halide. रिएक्शन नंबर 7, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन एंड ओनली वन एग्जांपल, इसमें एक ही एग्जांपल दिया है, अच्छी तरह इसको समझ लो एग्जांपल को। दिस इज विल स्टार्ट विद दिस कंपाउंड बेंजीन, और बेंजीन में अटैच कर देंगे मिथिल, नाम याद होगा आपको इसका, इसे मिथिल बेंजीन कहते हैं, लेकिन मोर कॉमनली इट इज कॉल्ड एज मिथिल बेंजीन को टोलुइन, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोलुइन, मिथिल बेंजीन
called as toluene. When toluene is treated with bromine, इसको ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे इन डार्क. ये रिएक्शन डार्क में होगी, नॉट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट नहीं होना, डार्क में. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एफी, एफी आर एम यहां कैटलिस्ट रहेगा और ये रिएक्शन डार्क में होगी. When toluene is treated with bromine in dark, in presence of iron, gives. इसको बैलेंस करेंगे टू टाइम्स ब्रोमीन. सो वन ब्रोमीन विल अटैच एट ऑर्थो पोजिशन, इट गिव्स दिस इज टोलुइन. ये टोलुइन एज इट इज और यहां ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. ये पोजिशन ऑर्थो होती है इसलिए इसका नाम रहेगा ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन. ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन. सेकेंड टोलुइन में दिस ब्रोमीन विल अटैच एट पैरा पोजिशन. वो पैरा पोजिशन पे अटैच होगा तो प्लस दिस इज बेंजीन रिंग मिथिल टोलुइन और यहां पे वी आर अटैच करेंगे. इसका नाम रहेगा पैरा ब्रोमो टोलुइन. ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन पैरा ब्रोमो टोलुइन मिक्सचर या मिक्सचर इज ऑब्टेन एंड प्लस बाय प्रोडक्ट. जब ये ब्रोमीन यहां अटैच होता है तो यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, यहां से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. दो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए तो प्लस यहां लिखते हैं प्लस हाइड्रोजन ट्वाइस और यहां चार ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन ऐड हो, दो ब्रोमीन रह गए, इट इज ट्वाइस HBr. ये बाय प्रोडक्ट. सी ये कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, जब भी ये ब्रोमीन बेंजीन रिंग में अटैच होगा या कोई भी रिएजेंट अगर बेंजीन रिंग में अटैच होता है तो वो बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव होता है. यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव, ट्वाइस हाइड्रोजन NBr, ट्वाइस HBr. सो एक बार और देखिए उसको लास्ट में क्या रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट इज दिस, व्हेन टोलुइन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ एफी गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन एंड पैरा ब्रोमो टोलुइन. ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यहां पे ये अल्किल हैलाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होता है. कल नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करेंगे. ये जो भी आज पढ़ाया हमने आप इसको बार बार वीडियो देखिए, अपने खुद की नोट्स लिखिए, कोई डाउट होता होगा सेंटेंस लिखने में तो मुझसे पूछ लेना. ओके सो हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड. ओके बाय, थैंक यू.